Now, having seen already about finite state automata, pushdown automata, context free grammar, this is a different topic which we have not touched before, that is simplification of context free grammar. Simplification of context free grammar. We already know what is a context free grammar. It is described by five tuples. Now, what do we mean by simplification of context free grammar? First, we should understand this word. What is the meaning of simplify? A context free grammar is given to us and we need to simplify it. So for simplification, it means that we have to reduce it, means reduce it with less symbols, reduce symbols. सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कुछ सिंबल्स हमें खत्म करने हैं. अब दो सिंबल्स कैन बी वेरिएबल्स आल्सो, दो सिंबल्स कैन बी टर्मिनल्स आल्सो. सो दो सिंबल्स शुड बी रिड्यूस्ड इफ पॉसिबल. दैट मींस इट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सो दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरली इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ रिडक्शंस और थ्री टाइप्स ऑफ steps we can say to reduce the grammar. It is not necessary ki har grammar simplify ho sake, aur ye bhi necessary nahi hai ki tino tarah ke simplifications ek question mein lag sake. Ho sakta hai kisi mein ek hi part lagega, ho sakta hai kisi mein do part lage, ho sakta hai kisi mein tino part lage, aur ho sakta hai kisi mein simplification ki possibility hi na ho, wo already simplified ho. So it depends upon the question. Bada important question hota hai, ek grammar de di jati hai aur kaha jata hai ki ise simplify karo. तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहला चीज होती है, हम बोलते हैं कि सिंबल्स को रिड्यूस करा जाए, मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स कम हो जाए. रिड्यूस सिंबल्स मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स कम हो जाए. अब नंबर ऑफ सिंबल्स कम हो जाएगा क्या मतलब है? नंबर ऑफ सिंबल्स कम हो जाएगा मतलब ये मतलब है, ये मेन चीज है कि जो अनयूज्ड सिंबल्स हैं, अनयूज्ड सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स जिनका कोई यूज ही नहीं है, उनको हम रिमूव कर दें. अनयूज्ड सिंबल्स टू बी रिमूव्ड. अब अनयूज्ड सिंबल्स को रिमूव करने के लिए क्या मेथड है, ये मेथड अभी हम आगे देखेंगे. कौन से सिंबल को हम बोलें अनयूज्ड, लॉजिकली क्या चीज है, दिस इज मेन थिंग टू अंडरस्टैंड. इन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स इट इज रिटन दैट दिस इज द प्रोसीजर टू रिड्यूस द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. बट माय स्ट्रेस इज कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिन सिंबल्स को रिड्यूस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उन्हें क्यों हटाया जा रहा है? व्हाई दे आर नोन एज अनयूज्ड सिंबल्स? They are known as unused symbols because they are in no means, by no means we can use them for any derivation. They do not derive anything. They do not derive anything. Not derive anything. Un symbols ki madad se koi bhi string jo wo grammar accept kar raha hai wo derive nahi ho sakti. To yani ki wo bekar mein likhe hue hain. Aise symbols hain jinki derivation mein koi help nahi hai. ना तो वो टर्मिनल किसी हेल्प का है, ना ही वो वेरिएबल किसी हेल्प का है. तो ऐसे सिंबल्स जिनसे डेरिवेशन में कोई हेल्प नहीं मिलती है, उन सिंबल्स को हटा दिया जाता है. ओके, एंड वी जनरेट अनदर ग्रामर विच इज इक्विवेलेंट टू इट. सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हम ग्रामर जी डैश बना रहे हैं, देन दैट जी डैश इज इक्विवेलेंट टू जी. इक्विवेलेंट टू जी का मतलब क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट द ग्रामर इज इक्विवेलेंट टू जी. इक्विवेलेंट टू जी का मतलब क्या है? If this grammar was accepting a certain type of language, this G dash will also accept the same type of language. उनका जो acceptance है वो same रहता है. तो acceptance same रहता है, तो इसके हमें derivation पे ध्यान देना है. तो ऐसे symbols जो derive कुछ नहीं कर रहे होते, उनको reduce कर दिया जाए, पहली चीज. Second होता है, कुछ ऐसे productions होते हैं जिन्हें unit productions बोलते हैं. ठीक है, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे कि कैसे रिड्यूस करेंगे. आज तो हम रिड्यूस ऑफ सिंबल्स पे कंसंट्रेट करेंगे. सेकंड होता है कि हमें यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया जाए. ठीक है, यूनिट प्रोडक्शंस मतलब एक सिंगल वेरिएबल वाले प्रोडक्शंस, जैसे कि a टेंड्स टू x. इस तरह के प्रोडक्शंस अगर कहीं पर यूज नहीं है, उन प्रोडक्शंस का दे हैव बीन यूज्ड अननेसेसरली, देन दीज प्रोडक्शंस आर रिमूव्ड. सो हाउ टू रिमूव दीज यूनिट प्रोडक्शंस वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. Third thing which is done for simplification of context-free grammar is removal of emoves. हमारी context-free grammar में अगर
ई मूव्स दे रखे हैं। ई मूव्स का मतलब कोई ऐसा प्रोडक्शन है, ए टेंड्स टू एप्साइलन, एंड वी कैन रिमूव दिस एप्साइलन इफ द ग्रामर डज नॉट एक्सेप्ट एप्साइलन, देन दिस प्रोडक्शन कैन बी रिमूव। इवन इफ द ग्रामर इज एक्सेप्टिंग एप्साइलन, तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्शन एप्साइलन का रह के भी सॉल्व हो सकता है, बाकी एप्साइलन के प्रोडक्शंस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर जनरली कंसिडर्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बट आई रिपीट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन अ सिंगल क्वेश्चन ऑल थ्री शुड बी अप्लाइड। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन दैट वॉट इज द क्वेश्चन एंड वॉट टाइप ऑफ रिडक्शन कैन बी डन। नाउ एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रिड्यूस द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो वेन वी टॉक अबाउट रिड्यूस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, देन वी आर कंसेंट्रेटिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज रिड्यूस सिंबल्स। दिस स्टेप इज नोन एज रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तीनों स्टेप का मिला के सिंप्लीफिकेशन बनता है, और पहले स्टेप का मिला के रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनता है। तो लेट सी एग्जाम्पल दैट हाउ कैन वी डू अ रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो अ लैंग्वेज आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द प्रीवियस स्लाइड, लेट्स राइट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ओवर हेयर अगेन। Let's check it. Let's see. Okay. Now, suppose this is a context-free grammar which is given to us, and we want to reduce this context-free grammar. So the goal is what we are going to study is reduce कॉन्टेक्स्ट-फ्री ग्रामर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट-फ्री ग्रामर के रिडक्शन का मतलब क्या है। हमें सिंबल्स रिड्यूस करने हैं, हमें एक नई ग्रामर बनानी है जी डैश जो इक्वलेंट होगी गिवन ग्रामर के। हमें एक नई ग्रामर बनानी है जो इक्वलेंट होगी गिवन ग्रामर के, और हमें सिंबल्स को रिड्यूस करना है। तो सिंबल्स को रिड्यूस करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। दो समटाइम्स जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्रामर वी कम टू नो कि ये वेरिएबल और ये टर्मिनल बेकार में यूज हुआ है ना, पर अभी हम लुकिंग एट वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे कि सिर्फ देख के कैसे बता सकते हैं। हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि इस प्रोसीजर से हमें पता चल सकता है कि कैसे सिम्बल्स रिड्यूज होंगे, जो अनवॉन्टेड सिम्बल्स हैं, अननेसेसरी सिम्बल्स हैं, विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डेरिवेशन, हाउ वी कैन रिमूव इट। ओके, तो पहला स्टेप क्या होता है, वी फाइंड दोज वेरिएबल्स। हम ऐसे वेरिएबल्स का सेट बनाते हैं, वी फाइंड दोज वेरिएबल्स विच लीड टू सम टर्मिनल, विच लीड टू सम टर्मिनल्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जब हमें स्ट्रिंग को डिराइव करना है तो डिराइव्ड स्ट्रिंग किससे बनी होगी, टर्मिनल से बनी होगी। यानी ऐसे वेरिएबल्स जो टर्मिनल्स पे एंड होते हैं वो वेरिएबल्स तो हमें चाहिए, यानी कि वो वेरिएबल्स डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे वेरिएबल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्शन में से जो हमें ग्रामर गिवन है जो टर्मिनल्स पे एंड हो रहा है। इस ग्रामर में हम वी डैश निकालते हैं, वी तो पुरानी वाली ग्रामर का हो गया, तो नई ग्रामर जो हम बना रहे हैं उसके लिए हम वी डैश बोलेंगे। ऐसे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जो ऑलरेडी वी वन डैश बोल देते हैं इसे, ऐसे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जो टर्मिनल्स के लिए पे एंड हो रहे हैं। तो अगर आप देखें ए एक टर्मिनल पे एंड हो रहा है, सी एक टर्मिनल पे एंड हो रहा है, ई बी एक टर्मिनल पे एंड हो रहा है, और यहाँ पर भी एक टर्मिनल आ रहा है इसमें, है ना। तो ये तीन वेरिएबल्स हमारे टर्मिनल्स पे एंड हो रहे हैं, तो इन तीन टर्मिनल्स को हमने नई ग्रामर में इंक्लूड कर दिया। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है, हम वी टू डैश निकालते हैं। वी टू डैश क्या होता है, अब हम ऐसे वेरिएबल्स देखेंगे, टर्मिनल्स पे एंड होने वाले वेरिएबल्स तो मेल देख लिया हमने, बट अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जो इन वेरिएबल्स को जो वी वन डैश में वेरिएबल निकाला, इफ देर इज अ वेरिएबल विच कैन डिराइव द वेरिएबल्स ऑफ वी वन डैश, तो अल्टीमेटली वो भी तो टर्मिनल पे एंड होगा भाई। अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स टेंड्स टू ए है और ए टेंड्स टू टर्मिनल है,
तो एक्स भी तो फाइनली टर्मिनल पे टेंड हो जाएगा, इनडायरेक्टली टेंड होगा। तो अब हमें ऐसे वेरिएबल्स देखने हैं जो ए सी या ई में किसी को डिराइव कर रहे हो। तो ऑलरेडी ए सी और ई तो हम इंक्लूड कर चुके हैं, अब बचा क्या एस। तो एस को जब हम देखें तो एस ए पे को भी डिराइव कर सकता है और सी को भी डिराइव कर सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन है, एस कैन लीड्स टू ए एंड सी, और बोथ ए और सी दोनों ही हमारे इसमें है ना, ए भी इसमें है तो सी भी इसमें है, तो ए सी को डिराइव करेगा, ए यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, सी यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब वी टू डैश में हमें एस को भी इंक्लूड करना है। वी टू डैश में क्या हो गया, एस प्लस वॉट एवर वॉज देयर इन वी वन डैश। वी वन डैश में क्या था, अब इसी तरह से हम वी थ्री डैश निकालेंगे। अब वी थ्री डैश में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एस ए सी ई, और कोई वेरिएबल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है भी नहीं, प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कोई और वेरिएबल नहीं है। तो अगर प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में कोई और वेरिएबल नहीं है तो यानी वी थ्री डैश भी हमारा सेम रहेगा। तो अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, इतना क्लियर हो गया कि दीज आर द वेरिएबल्स विच विल बी यूज इन आर ग्रामर। तो हमारी ग्रामर में ये चार वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो अगर अब हम जी डैश डिराइव करें, अगर अब हम जी डैश डिराइव करें तो जी डैश में वेरिएबल्स कौन से हो गए, एस ए सी ई, ये वेरिएबल्स हो गए हमारे। टर्मिनल्स क्या हो गए हमारे, ए सी ई। प्रोडक्शन अभी लिख लेंगे, एस हमारा स्टार्ट सिंबल हो गया, ठीक है ना। अब जब हम प्रोडक्शन लिखना शुरू करते हैं तो हमने देखा अभी हमने ग्रामर को इस स्टेप में कुछ रिड्यूस करा, अगर ध्यान से देखें तो एक वेरिएबल बी जो था वो यहां से गायब हो गया, तो यानी एक सिंबल हमने कम कर दिया। कौन सा सिंबल कम कर दिया, बी। तो अब अगर हम नए प्रोडक्शन लिखें पी डैश, तो पी डैश में ए सी आएगा, बी लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बी तो हमारे पास है ही नहीं। ये वाला प्रोडक्शन आएगा और ये प्रोडक्शन आएगा। इस फर्स्ट स्टेप में, ये हमारा स्टेप वन था, अभी फाइनल रिडक्शन नहीं हुआ है, दिस वाज स्टेप वन। इस पहले स्टेप में हमने एक वेरिएबल कम कर दिया बी, और उस एक वेरिएबल बी कम करने की वजह से दो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शंस भी कम हो गए। सो दिस इज पार्टली रिड्यूस्ड ग्रामर, अभी हमारी एक स्टेप से कुछ रिडक्शन हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। सेकेंड स्टेप पे जाने से पहले जो हमारी नई ग्रामर आई है हम वो लिख लेते हैं। व्हाट इज द न्यू ग्रामर, द न्यू ग्रामर इज एस टेंड्स टू ए सी, ए टेंड्स टू ए सी, टेंड्स टू सी ई, टेंड्स टू स्मॉल ए एंड कैपिटल ए एंड देन ई। वी ऑल नो दैट कैपिटल लेटर्स में है वो वेरिएबल है, स्मॉल लेटर्स में है वो टर्मिनल है, उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, है ना। अब हम जी डबल डैश निकालेंगे, जी डबल डैश शुड बी इक्वलेंट टू जी डैश। एक स्टेप हो चुका है रिडक्शन का, अब हम दूसरा स्टेप करेंगे रिडक्शन का, स्टेप टू। नाउ व्हाट इज द स्टेप टू ऑफ रिडक्शन, स्टेप टू ऑफ रिडक्शन हम फिर से वेरिएबल्स का सेट बनाएंगे, पर इस बार जब हम वेरिएबल्स का सेट बनाएंगे, सिंबल्स का सेट बनाएंगे, तो सारे सिंबल्स लेके चलेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो टर्मिनल हो, और स्टार्ट सिंबल से बात करेंगे, है ना, स्टार्टिंग सिंबल से हम बात करेंगे। तो हम एस वन डैश निकालते हैं, है ना, आप इसे वी वन डैश बोल सकते हैं, कुछ एस वन डबल डैश बोल देते हैं बिकॉज दिस इज जी डबल डैश। तो एस वन डबल डैश से हम स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम एस टू डबल डैश निकालेंगे, और एस टू डबल डैश में हम क्या लेंगे, हम उन वेरिएबल्स को लेंगे या उन टर्मिनल्स को लेंगे जो एस से डिराइव हो सकते हैं, जो एस से डिराइव हो सकते हैं। तो अब अगर हम अपने प्रोडक्शन को देखें तो एस क्या डिराइव कर रहा है, ए और सी, तो एस टू डबल डैश में एक तो एस आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, एक सी आ जाएगा। फिर हम एस थ्री डबल डैश निकालेंगे, एस थ्री डबल डैश में हम किससे लेंगे, जो एस ए या सी से डिराइव हो रहे थे। तो एस को हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ए से क्या निकल के आ रहा था, स्मॉल ए, सी से क्या निकल के आ रहा था, स्मॉल सी, एस थ्री डबल डैश। अब हम एस फोर डबल डैश देखेंगे, एस फोर डबल डैश में हम एस इस एस थ्री वाले सिंबल्स को देखेंगे, जब हम इन्हें देखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा और कुछ नया नहीं आएगा हमारे पास। तो जब नया आना बंद हो जाए हम स्टॉप कर जाएंगे। तो अब हमारी जो नई लैंग्वेज है उसमें सिर्फ ये सिंबल्स पॉसिबल है, एस ए सी और स्मॉल ए स्मॉल सी। यानी कि नई लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो सकते हैं,
ये टर्मिनल्स क्या हो सकते हैं, ये दोनों स्टार्ट सिंबल तो ऐसा ही, अब बचा क्या प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में हमें सिर्फ इन सिंबल्स का यूज करना है। तो अब जो नया प्रोडक्शन हमारा निकल के आया वो क्या आया, ध्यान से देखें, एस वाला प्रोडक्शन यूज हो जाएगा, ए वाला प्रोडक्शन यूज हो जाएगा, सी वाला प्रोडक्शन यूज हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये ई कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज आर रिड्यूस्ड ग्रामर, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिड्यूस्ड ग्रामर। अब इसमें हमने क्या करा, एक बी वेरिएबल काम हो गया, एक बी टर्मिनल काम हो गया, एक ई वेरिएबल काम हो गया, एक ई टर्मिनल काम हो गया, कुछ प्रोडक्शंस काम हो गए, तो और ये इक्विवेलेंट ग्रामर है, ये भी वही चीज डिराइव करेगी जो उतनी लंबी चौड़ी ग्रामर डिराइव कर रही थी। अब अगर आप उस ग्रामर को, जो मैंने कहा था देख के ही पता चल जाता है, अब एक नजर देख के ही पता चल जाने वाले खेल को भी देखते हैं, दिस वॉज द ग्रामर विच वॉज गिवन टू अस। अब अगर हम इस ग्रामर को ध्यान से देखें, एस से शुरू हुई, ए सी और बी राइट में आ रहा था, ए से ए आ रहा था, सी से सी आ रहा था, किसी में भी एस ए या सी में ई नहीं आ रहा था, तो हम किसी भी हालत में ई तक नहीं पहुंच रहे थे। तो अगर हम ई तक नहीं पहुंच रहे थे तो हम देख के ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना इतना लंबा प्रोसेस करे हम ये पता कर सकते हैं कि दिस ई इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ई तक तो पहुंच ही नहीं रहे, तो इस प्रोडक्शन को हम हटा देंगे, ई की कोई जरूरत नहीं है। अब बी कैसे हट रहा है देख के, देखो एस से अगर हम बी डिराइव करते हैं, खाली बी डिराइव करते हैं, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्शन नहीं है, बी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर बी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा तो बी यूजलेस हो गया, क्योंकि बी कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो यानी बी कभी भी डेरिवेशन में यूज ही नहीं हो सकता, तो बी यूजलेस हो गया। तो हमें देख के ही पता चल गया कि बी की जरूरत नहीं है, बी की जरूरत नहीं है तो इस प्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है, इस वाले हिस्से की। तो फाइनली हमारे पास ये तीन प्रोडक्शंस आए जो हमारे आंसर में भी निकले। तो हम देख के भी सॉल्व कर सकते हैं विद लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, अदरवाइज दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू सॉल्व रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।